रिपोर्ट आया क्या? कोई रिपोर्ट नहीं आया, कोई फोन भी नहीं आया, वही देख रहा था कि कोई फोन आया, तो कुछ आया नहीं। मेरा भी एकदम तबीयत ठीक है, आज बुखार बुखार लग रहा है, माथा भी दर्द हो रहा है, कविता का भी तबीयत ठीक नहीं है, बाबू को कौन संभालेगा, छोटा एकदम तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, सब पूरा मतलब दर्द हो रहा है। हेलो, मैं एमसी से बोल रही हूँ। हाँ, आपने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था? हाँ। उसमें अंकित केडिया और कविता केडिया का पॉजिटिव आया है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? आपको एक बार फिर से चेक कर सकते हैं क्या उसको? नहीं नहीं, रिजल्ट्स कंफर्म है, आप लोग को एडमिट होना होगा। नहीं नहीं, मैं होम आइसोलेशन ही प्रेफर करूँगा। अच्छा, उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग पे सिग्नेचर करना होगा और प्रेस्क्रिप्शन भी देना होगा। वो मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, फिर कल हमारे यहाँ से एक आदमी आकर आपसे सिग्नेचर करवा लेगा। तब तक आप बिल्कुल घर पे रहिएगा और कहीं बाहर मत निकलिए, और कोई भी प्रॉब्लम होने पर एएमसी हेल्प डेस्क पे कॉल कीजिएगा। ओके, थैंक यू। मम्मी पापा आप लोग दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि बाबू को लेकर हम और कविता पॉजिटिव आए, हम लोग एक रूम में आइसोलेट हो गए। और अपने मास्क सूट लगा के रखो, कल होल भी सैनिटाइज करवा देगा हम लोग। ओहो, सब पॉजिटिव हो गया, कैसे होगा? मेरे भगवान, सरकार अच्छा करे। हाँ कविता, हम लोग सब पॉजिटिव हो गए। क्या बोल रहे हो? पवन भाई? हाँ बोल अंकित भाई। हाँ, ये हम लोग का तो घर में थोड़ा सा टेंशन हो गया, तुमको फोन किया था इसलिए। हम और कविता तो पॉजिटिव हो गया। ओहो, और मम्मी का भी तबीयत खराब है। अच्छा, कैसे क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे क्या खाना होने का। बाबू का भी है, सबका प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे पास मतलब एकदम भी टाइम नहीं है यार, क्या बोलूँ, मेरा एकदम बिजी हो, दुकान में भी स्टाफ भी नहीं आ रहा, पूरा बिजी हो। पवन तो फ़ोन काट दिया, अंकल भी बिजी है, अब कैसे क्या होगा, तो हम बच्चा का दूध का कैसे होगा, हम लोग खाना पीने का कैसे होगा, दवाई का कैसे होगा, क्या होगा। अब तो कोई फरिश्ता ही हम लोग का मदद कर सकता है। पता नहीं किसे क्या आएगा, समझ क्या आएगा। हेलो भाई, ओ अभी बस 2 सेकंड में निकलना है पार्टी के लिए, 2 सेकंड। হ্যালো, আপনি অল্প তলত আহিব নেকি? এমসি পাইছিলোঁ, আপোনাৰ আণ্ডাৰ টপিকৰ ল'ব আছিলে।
हाँ हेलो। अरे तुम्हारे यहाँ पर हम क्या एक वोट देखा, क्या हो गया? वो हम कविता पॉजिटिव है। ओह, बात होने से बताना रे। हाँ ठीक है। ऐसे ही मजा लेने के लिए फोन। अरे ज्योति, ज्योति मम्मी। ये सब्जी हो गया। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, जगह कोरोना बाप रे, जिससे कोई है भी नहीं। हाँ कोई है भी तो नहीं ना उन लोग का करने वाला। तो बीमार है मम्मी पापा, उन लोग कोरोना हो गया। चार भुजिया सब्जी रोटी। ठीक है ना मम्मी? ठीक है। हाँ दे देता। वो क्या के लिए? हाँ डाल दीजिए। और बोलेगा कुछ हेल्प चाहिए तो बोले। हाँ श्रीकांत बोलो। अंकित। हाँ। तुम्हारे घर के नीचे ना कुछ सामान वान रखा है। अच्छा। खाने वाने का सामान है। हाँ। का सारा सामान है। अच्छा। बच्चा और बच्चा का भी कुछ सामान वान रखा है। अरे भाई। हाँ। तो कुछ भी जरूरत होगा तो बताना, एकदम बेझिझक बोलना। हाँ हो सकेगा हम लोग पूरा कोशिश करेगा। ठीक है। हाँ थैंक यू, थैंक यू। हाँ बहुत बहुत थैंक यू। हाँ ठीक है, ठीक है। कविता देखो, हम लोग का मदद करने के लिए एक्चुअली यही काम आया। श्रीकांत हम लोग सारा सामान रिक्चे में रखे दिया है। हम लोग बेकार में हिसाब को गलत समझता था, ये आखिरकार एक पड़ोसी ही काम आया। भगवान साहब इसी को हम लोग के लिए भेजा था। तो ऐसे ही अगर सब एक पड़ोसी एक दूसरे का हेल्प करने लग जाए तो फिर कोरोना से हम लोग आराम से जंग जीत जाएगा। सारा पड़ोसी को ऐसे ही एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। ठीक है, चलो हम सामान लेके नीचे से आते हैं।